दोस्तों, लकवा या पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक या इससे अधिक मांसपेशियां सही तरीके से कार्य करना बंद कर देती है। लकवा आमतौर पर मांसपेशियों के समस्या के कारण नहीं होता है, बल्कि मस्तिष्क द्वारा मांसपेशियों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नसों या रीढ़ की हड्डियों में समस्याओं के कारण होता है। इसलिए आमतौर पर लकवा से पीड़ित व्यक्ति की तंत्रिका में किसी न किसी तरह का नुकसान जरूर होता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि लकवा कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, लकवा चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मोनोप्लेजिया, दूसरा हेमिप्लोजिया, तीसरा पैराप्लेजिया, चौथा टेट्राप्लेजिया या क्वाड्रीप्लेजिया। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कौन से प्रकार में कौन सा रोग होता है। सबसे पहले मोनोप्लेजिया में एक अंग काम करना बंद कर देता है, या तो एक हाथ काम करना बंद कर देगा या एक पैर बंद कर देगा। उसके बाद से हेमिप्लेजिया। दोस्तों, हेमिप्लेजिया में एक तरफ का बिल्कुल ही अंग काम करना बंद कर देता है, यानी कि शरीर का आधा भाग, या तो लेफ्ट साइड का या राइट साइड का हाथ या पैर, ये बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। इसके बाद से पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया में दोनों पैर या शरीर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है। इसके बाद से लास्ट है टेट्राप्लेजिया या क्वाड्रीप्लेजिया। इस स्थिति में मरीज के दोनों हाथ तथा दोनों पैर बिल्कुल ही काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से इस पैरालिसिस यानी कि लकवा की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर जब किसी भी व्यक्ति को लकवा का रोग होता है तो वो फटाफट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, लेकिन दोस्तों भागना लाजिम सी एक परफेक्ट बात जरूर होगी। लेकिन दोस्तों, उस भागने के साथ साथ आप कुछ घरेलू नुस्खों का भी इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, जिससे कि आप अपने लकवा की बीमारी को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्थिति में हमारे पास मात्र चार प्रकार के नुस्खे हैं, और इस चारों नुस्खों को बिल्कुल आप इस्तेमाल करके अपने लकवा की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए बारी बारी से जानते हैं कि कौन सी वो चारों नुस्खे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में कभी भी किसी व्यक्ति को काम आ सके। सबसे पहला नुस्खा, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको यहाँ पर लेना होगा सौंठ और काली मिर्च। दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के पीस ले, पीसने के बाद से छान ले, और छानने के बाद से जो आपको चूर्ण प्राप्त होगा उसको रोगी के नाक में डालना है। ऐसे में कुछ कंट्रोल लकवा में मिल जाता है। दूसरा है काली मिर्च 50 ग्राम की मात्रा में पीस कर छान ले, और इसमें 250 ml तेल मिलाकर और बिल्कुल ही अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद से जिस जगह पर आपको लकवा लगा हुआ है उस जगह पर आपको तेल से मालिश करना है। उसके बाद से तीसरा है ज्वार के दाने। दोस्तों, ज्वार आपने जरूर देखा होगा, उसी के दाने को पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद उसे पीस लेना है। पीसने के बाद से उसमें से उसके जूस को बाहर कर लेना है, और उस जूस में आपको ऐड करना है कैस्टर ऑयल यानी कि एरंड का तेल। दोस्तों, इसे रेणी के तेल के नाम से भी जाना जाता है। दोनों को मिक्स करके और उसके बाद से अगर आप अपने लकवे वाले जगह पर मालिश करते हैं तो इससे लकवा की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके बाद से लास्ट है नीम का तेल। दोस्तों, नीम का तेल बेहद ही सर्व औषधि गुण का पाया जाता है। इसके लिए आपको नीम का तेल का मालिश करना है अपने लकवे के बीमारी के ऊपर। ऐसा मालिश करने से आपको लकवा की बीमारी से जरूर छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, यही थे कुछ आज की इन्फॉर्मेटिव जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस, हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।